इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन अ कंटेनर जिसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखा है, डेप्थ दे रखा है 6 मीटर, आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बता रखा है, और उसके अंदर जो पानी भरा है कंटेनर के अंदर टू द ब्रिम, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1000 kg/m³। और हमसे पूछा गया है कि इस कंटेनर के बॉटम पे कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे थ्रस्ट का मतलब बेसिकली नॉर्मल फोर्स है, और हम कौन सा फोर्स लेने वाले हैं, दिस इज द फोर्स अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा उससे एक्स्ट्रा कितना फोर्स लग रहा है वो पूछा गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सीधी बात है, अगर एच हाइट तक आपको पानी भर दिया गया है, कंटेनर की डेप्थ 6 मीटर है, पूरे 6 मीटर की हाइट तक आपको पानी भर दिया गया है, इसलिए अगर आप प्रेशर निकालना चाहोगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, और ये प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बेस का एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ 10 मीटर्स, विड्थ 8 मीटर्स, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा गया लगने वाला नॉर्मल थ्रस्ट या फोर्स, थ्रस्ट कितना होता है, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया, रो इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया का इन दोनों का प्रोडक्ट, बेसिकली इन पांचों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपका थ्रस्ट आ जाएगा, कितना हो गया 1000 × g 10 × h 6 × एरिया कितना है 80, ये आपका आंसर है। थ्रस्ट कितना होगा बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, 1000 × 10 × 6 × 80 न्यूटन।